आदाब, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। मौसी, बहुत अच्छे दाम मिल गए हैं, ये देखो रेखा की कीमत। You bloody fool! रॉबर्ट को यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सी गोलियों से खेलना पड़ा। दोस्तों, जीवन देने वाले को कहते हैं भगवान और जीवन छीनने वाले को कहते हैं शैतान। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पहले दौर के एक जबरदस्त विलन थे और ना जाने कितनी फिल्मों में उन्होंने कितनों को जान से मार डाला था, लेकिन नाम था उनका जीवन। नमस्कार, नारायण नारायण। अच्छा जीवन साहब, मैं ये बहुत देर से सोच रही हूँ कि आपने कौन से सन में फिल्मों में काम करना शुरू किया, लेकिन जिस जिस सन का ख्याल मुझे आ रहा है, मैं महसूस करती हूँ कि आप तो उससे पहले ही फिल्मों में काम कर रहे थे। तबस्सुम, तुम्हारी ये उलझन दूर करने के लिए मैं एक आप बीती सुनाता हूँ। पिछले साल जुलाई में मैं लंदन से बॉम्बे आ रहा था, थोड़ा के बाद मैंने देखा कि एक 8-9 साल का लड़का, वो एक उम्र रसीदा जेंटलमैन को घसीटता हुआ मेरी तरफ ला रहा है, तो मैं जरा चौकन्ना होकर बैठ गया। वो जेंटलमैन ने आकर कहा कि जीवन लाल, ए मारो ग्रैंडसन से हरसुख, एने पासे एक चौपड़ी छे, तेने ऊपर तुम्हारी सही जोइए। मैंने कहा अच्छा, मैंने ऑटोग्राफ कर दिया। तो हरसुख ने वो चौपड़ी वापस लेते हुए कहा, जीवन अंकल 2 दिन हो गया, हम तुम्हारा पिक्चर वीडियो पर देखा, अमर अकबर एंथनी। जेंटलमैन फरमाए, अरे तू 2 दिन, हम तो जीवन का पिक्चर साल 1935 में 1935 में देखा था, जब तू का तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन जहाँ तक आपकी मौजूदा एक्टिंग का ताल्लुक है जी साहब, उसमें मैनरिज्म कुछ बहुत ज्यादा है। अब मुझे ये बताइए कि ये सब इख्तियार करने की वजह क्या है? ऐसा है ना कि मैनरिज्म का मतलब है कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा एक्शन या कोई इस तरह की अल्फाजों की बंदिश जो पब्लिक को पसंद आ जाए। तो अगर वो पसंद कर ले पब्लिक, तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं, उसे बार बार 1-2-4 फिल्मों में और रिपीट किया जाए। मैं अपना खुद का किस्सा बताता हूँ। क्या हुआ, स्वामी से लेकर कोहिनूर फिल्म तक मेरा मैनरिज्म क्या था? कोहिनूर से लेकर शरीफ बदमाश तक, मैनरिज्म था। और फिर शरीफ बदमाश से लेकर अभी तक, नहीं। अब इसके आगे मैं करने वाला हूँ क्या, वो क्या मैनरिज्म होगा जरा मुझे बताना, मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं क्या बताऊँ, आप तो खुद ही अंदर से बिल्कुल खान है। अच्छा, बिल्कुल ढूंढने को सुर ले आने लगाए भाई, कुछ करें। लेकिन आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल बड़ा अच्छा करते हैं। जीवन के वाकई रूप निराले होते हैं। अच्छा, अब मैं इससे पहले कि आपसे सवाल पूछूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे जीवन साहब ने फिल्मों में नारद मुनि का किरदार मेरा ख्याल है तकरीबन 40 मर्तबा निभाया है, अदा किया है, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जीवन साहब, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही नहीं, 49 टाइम्स। अच्छा। अब ये रिकॉर्ड बने या टूटे या रहे, इसकी तो खैर मैंने कभी परवाह नहीं की। लेकिन मेरे ख्याल में इन फिल्मों में मैंने महामुनि की पब्लिसिटी बहुत कर दी है और मैं उनको जरा मुश्किल में भी डाल दिया। कैसे? मराठी पेपर एक मेरे पास लोकसत्ता, उसमें महाशय ने लिखा है कि अगर आकाश से असली नारद उतर कर पृथ्वी पर आ जाएं और वो जीवन जी की तरह नारायण 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 ना बोले, तो हम समझेंगे कि नारद नहीं है, वो बहुरूपिया है और नारद बनकर हमारे सामने आ गया है। लीजिए। अच्छा जीवन साहब, अब ये बताइए कि इतने लंबे अरसे से आप विलन का किरदार निभा रहे हैं, जाहिर है कि जाती जिंदगी में कुछ ना कुछ तो असर हुआ ही होगा। हाँ, जाती जिंदगी बड़ी पुरसकून हो गई है, बड़ी अच्छी हो गई, बड़ी उम्दा हो गई है, क्योंकि स्टूडियो में विलन बन के अपनी बहन की चूड़ियां लेके गिरी रख देना, उसकी शराब पी लेना, अपने बूढ़े बाप को धक्के मार के निकाल देना, बड़ी बहन को जो अंधी बेचारी होगी उसे सीढ़ी से धक्का दे देना, और
गली में सब इधर उधर नजरबाजी करना, किसी को रिवॉल्वर मारना, किसी को थप्पड़ खाना। अच्छा, जब इतनी बुराइयां दिन भर में कर ली जाती हैं तो नतीजा घर आके बच्चों और बीवी का खिलता मुंह देखकर सुकून हो जाता है, ये बुराइयां सब खत्म हो गई ना स्टूडियो में। ये बताइए कि जिस दिन शूटिंग नहीं होती उस दिन क्या हाल होता है? सब वेरी गुड, बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने। उस दिन ये हाल होता है कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि मेरे बच्चे और बीवी तो खैर नहीं कहना चाहिए, बच्चे कम अज कम मुझे अपना हीरो समझ लेते हैं। दोस्तों, जीवन साहब का अंदाज़े बयान यानी बात करने का तरीका और मैनरिज्म इतना ज़बरदस्त था कि आज तक बड़े बड़े हीरोज और कॉमेडियंस उनकी नकल करते हैं। रामखोर तुम्हारे साथ कौन करना चाहता है? हम इस खातून के साथ करना चाहते हैं और साथ में एक रेडीमेड बच्चा भी मिलेगा। तो देखा आपने, बस ऐसी ही बातें मैं आपको बताती रहूंगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।